नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए समय नष्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्त, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो और आपके सामने ला सकें। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले सीफाग्रेन, ठीक है, सीफाग्रेन नाजल ड्राप के बारे में। ठीक है दोस्त, ये देखिए सीफाग्रेन नाजल ड्राप है, और यह जो है कि चरक कंपनी की दवा है। ठीक है दोस्त, यह चरक कंपनी की दवा है, और यह देखिए मार्केट में ₹52 का मिलता है यह ड्राफ्ट। और ये देखिए चरक फार्मा की कंपनी की दवा। चलिए आज मैं बात करने वाला इसके बारे में, अब आपको बताऊंगा कि यह कितने रुपए में मिलता है, बता दिया आपको, और यह किसके लिए फ़ायदा करता है, कैसे प्रयोग करता है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट। ठीक है दोस्त, चलिए मैं बताना चाहूँगा, यह माइग्रेन के लिए फ़ायदा करता है। अब आपको मैं बताऊँगा माइग्रेन क्या चीज़ है। ठीक है दोस्त, इसमें क्या होता है कि इसमें पीड़ित व्यक्ति को सर दर्द का तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्त, माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जिसमें सिर के दोनों तरफ या एक तरफ रुक रुक के भयानक दर्द होता है। इसका दर्द 2 घंटे से लेकर कई दिनों तक रह सकता है। माइग्रेन सिर दर्द दूसरे दर्द की तुलना में अधिक होता है। माइग्रेन मूल रूप से न्यूरोलॉजिकल समस्या है। शरीर में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन भी माइग्रेन का कारण हो सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए ये देखिए ये ड्राफ्ट है, उसके बाद इसको यहाँ से ये है, इसको यहाँ से इसको डालेंगे दवा, इसको निकाल के यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए माइग्रेन के समय दिमाग में रक्त का संचार बढ़ जाता है, इसमें व्यक्ति को तेज सिर दर्द होने लगता है। ठीक है दोस्त, और ये साइनोसाइटिस के लिए भी फ़ायदा करता है। साइनोसाइटिस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। साइनोसाइटिस सिर दर्द वैसे तो आम बात है, ठीक है दोस्त, लेकिन ये कई बार गंभीर समस्या का रूप धारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, इनमें से एक साइनोसाइटिस है जिसको एक गंभीर समस्या के श्रेणी में रखा गया है। चलिए दोस्तों, ये साइनोसाइटिस के लिए भी फ़ायदा करता है सीफाग्रेन ड्राफ्ट। साइनोसाइटिस क्या है, साइनोसाइटिस से साइनस में सूजन आ जाती है, और यह किसी संक्रमण के कारण आपका सिर दर्द या आपके चेहरे में दर्द और नाक बंद होने का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, कई बार इसमें नाक से हर पदार्थ बहने लगता है। दर्द इस बात पर निर्भर करता है कि पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार से साइनोसाइटिस से प्रभावित है। ठीक है दोस्त, साइनोसाइटिस आम सर्दी जुकाम के रूप में शुरू होता है, और या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के रूप में पूरी तरह से फैल जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको बताएंगे साइनस क्या है। ठीक है, जैसे कि आपने साइनोसाइटिस में बताया मैंने कि साइनोसाइटिस से साइनस में सूजन आ जाती है। अब साइनस क्या है, साइनस के बारे में बताएंगे। साइनस के लिए भी ये फ़ायदा करता है। साइनस क्या है, साइनस हवा से भरी हुई छोटी छोटी खोखली गुहा की संरचना जैसी होती है, जो नाक के आसपास, गला, माथे के हड्डियों के पीछे तथा आंखों के बीच के भाग में पैदा होने लगती है। ठीक है दोस्त, जैसे दोनों तरफ के चेहरे की हड्डियों में मैक्सिलेरी साइनस, नाक के ऊपर, माथे में फ्रंटल साइनस, आंखों के आसपास एथोमाइड साइनस तथा पिछले हिस्से के बीचों बीच दिमाग से सटा हुआ स्फेनॉइड साइनस आदि जैसा, यह सब उसके लिए, रोग के लिए यह फ़ायदा करता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको बताएंगे कि जो है कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। यह दिन में एक बार प्रयोग करते हैं, 2 ड्राफ्ट इसको डालते हैं, और यह कम से कम 7 दिन लगातार प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए, और यह उम्र के हिसाब से प्रयोग करते हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से जानकारी के लिए आप एक बार अपने डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके ही उसके बारे में डिटेल लीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको मैं बताऊँगा इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है दोस्त, साइड इफ़ेक्ट बताएंगे, ये जैसे उल्टी आना, चक्कर आना, कब्ज बनना आदि सब साइड इफ़ेक्ट। ठीक है दोस्त, चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे द्वारा बताए गए किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेके उस दवा का प्रयोग करें। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको हम बताएँगे जो है कि आपको अगर किसी भी दवा के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसके बारे में तुरंत वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह जानकारी हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से बताई है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भी दोस्त। धन्यवाद।